दोस्तों नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं कहानी। कहानी का नाम है अजनबियों पर कभी विश्वास नहीं करना, यानी कि किसी भी अनजान पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। एक हिरन और एक कौवा मित्र थे। एक दिन एक लोमड़ी हिरन से मित्रता करने लगी। कौवे ने हिरन को सलाह दी, कभी अजनबियों पर विश्वास नहीं करो, परंतु हिरन ने परवाह नहीं की। ये हिरन, लोमड़ी और ये कौवा बैठा है यहाँ पे। चालाक लोमड़ी हिरन को खेत में घास चराने ले गई। हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया। लोमड़ी वहाँ से इस योजना के साथ गायब हो गई कि शिकारी द्वारा हिरन को मार डालने के बाद वह आकर खाएगी। ये हिरन फंस गया जाल में और लोमड़ी यहाँ से भग रही है और कौवा बेचारा इसको देख रहा है। कौवे ने आकर हिरन पर तरस खाया। मैंने कहा था ना कि अजनबियों पर विश्वास मत करो, अब शिकारी आ रहे हैं, तुम मर जाने की तरह लेट जाओ, उसने हिरन को बच निकलने का उपाय बताया। ये शिकारी और ये कौवा, और ये इसको कौवे ने कहा कि तुम मर जाने की इस तरह लेट जा। शिकारी आया और उसने सोचा कि हिरन मर गया है और जाल निकाल दिया। तब कौवे ने काँव काँव की आवाज़ निकाली, हिरन छलांग लगाकर भाग निकला। इससे यही शिक्षा मिलती है हमको, अजनबियों पर कभी विश्वास मत करो। लोमड़ी और कौवा भाग गए और शिकारी देखता रह गया, और जो लोमड़ी थी उसकी चाल कामयाब नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों अच्छे दोस्त थे। कौवा इसका दोस्त था, उसने इसको बचा लिया।